बाइबल को समर्थन करी किछि देशात्म बोध गीत रचना करिसंती। कवि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को समर्थन करी किछि देशात्म बोध गीत रचना करिसंती। सेनापति आम गोटे छोटिया उदाहरण नवा सेनापति आज डाक उठ भारत वीरपुत्र जाक अपूर्व असहयोग रणांगने आंटे अंटा कसी कसी परा जने जने गांधी जोगी वीर तुमर अग्रीण शिव स्मरी उठ तरुण तरुणी। अर्थात गांधींकर असहयोग आंदोलन पाई हे तरुण तरुणी माने तमे अग्रणी भूमिका ग्रहण कर आउ वीर पुत्र जेहेतु तमे माने तमे आगक आस कारण स्वाधीनता पाई स्वाधीनता संग्राम रे झास देथिबा महात्मा गांधी ओ तांकर अनुगामी मु आपण मन आउ टिके स्पष्ट कर दिए जे कुंतला कुमारी सावर गांधी को अति निकटतर होइ पारथिले गांधी को आदर्श को से ग्रहण करथिले एवं गांधी को आदर्श स्थानीय करी देश स्वाधीनता पाई मध्य तांकर संगरे किछि महत काम करथिबा आ माने जानिचे से गांधी को असहयोग आंदोलन को समर्थन करके गीतटी रचना करथिले जोथरे दुई चार धाड़ी खाली आलोचना पाई आमे विचार करले सेथिले से युवक मानको युवती मानको तरुण तरुणी मानको गांधी को आदर्श रे अनुप्राणित होई देश को स्वाधीन करबा पाई ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे असहयोग आंदोलन करबा पाई प्रवर्ताइछन्ति। कविंक आह्वान कविता पुस्तक गोटे रही से सुप्त जाति को जाग्रत करने अति सुंदर चमत्कार कविता लिखी से देशवासी हृदय वैप्लविक चेतना सृष्टि करव्य चेतन जो प्रेमर कथा अच्छी से प्रेम आबिलता मोटे ना से प्रेम दिव्यानुभूति परिपूर्ण जमीती आपण माने सेफाड़ी प्रति कविता प्रेम देखिबे किंतु ताहा भगवान को प्रति प्रेम बा व्यक्तिर व्यक्तित्व को विकसित करी भगवान जो महत लक्ष्य मनुष्य को छाड़ी संसार को सही महत कर्म करी पुनश्च भगवान को पाद पद्मरे नियोजित हो लीन हो कवि आह्वान देते सेफाड़ी फूल भली कम समय बंचुवा सेफाड़ी फूल रात फुटे सकाल छड़ी जाए किंतु तार बासना तार सौंदर्य चतुर्दिग को मुहक दिए ठीक से कवि आह्वान करे आम युवक युवती साधारण जनता छात्र छात्री साधारण मनुष्य मान को जे तम जीवन को तमे ये फूल भली महत्वपूर्ण कर कम समय बंचव कि बेसी समय बंचव से मुख्य नुहे मुख्य हूँ जीवन को सरस सुंदर और मूल्यवान कर जो भगवान तुमको संसार को छाड़ी महत इच्छा को पूर्ण करी भगवान महत इच्छा को पूर्ण करे तमें पुणी से पाद पद्म पूजा पाइब एवं तम जीवन सार्थक हम बोली कहते एटी प्रेमर कथा जो कहुची भगवत प्रेमर कथा कहुची बुभु प्रेमर कथा कहुची। आलोचक मान मतरे कुंतला कुमारी काव्य कवित सबुज जुगर रोमांटिक चेतना सत्यवादी जुगर जातीयतावादी चेतना और भक्त कवि मधुसूदन उदार विभु प्रेमर समन्वय देखा मिले। कवि दुईट जनप्रिय कविता संपर्क में आम आलोकपात कर प्रथम हूँ सेफाड़ी प्रति द्वितीय मनीष भाई प्रथम सेफाड़ी अर्थ गंगशिवली बा गंगशिवली फूल को संबोधन करी कवि निज भाववेग को प्रकाश करछंती भक्ति भाव सौंदर्य बोध विभुपाद निज को समर्पण और व्यक्ति पाखरे पुष्प तुल्य महानता प्रकाश करिवार इच्छा से प्रकाश करछंती। मनीष भाई कविता कवि मनीष को हेय न मणि मृत्यु पाई उद्दिष्ट न मणि से एक पवित्र आत्माधारी अमृतर संतान बोली कहिछंती जहार मृत्यु नाही समस्त दुख जंत्रणा और झड़झंझा सत्वे भगवान को यह पवित्र सृष्टि रे पवित्र कर्म पाई उद्दिष्ट से समस्त पाप सड़रीपु और निष्ठुर दुख जंत्रणारु निजक मुक्त करी दिने प्रभुपाद रे निश्चय स्थान पाइब यही आशा से रखिछंती एवं जीवन को मूल्यवान करिवार आह्वान देइछंती। एथिरे कवि को भाव चेतनाटी अति उच्च कोटीर आलोचक सुरेन्द्र महाराणा भाषा रे कवि कुंतला कुमारी जो सुजोग पाई सेखारे विभिन्न पात्र पात्री मुखरे ओडिया जाति देश और संस्कृति भूरी भूरी प्रशंसा सुनाई देश और जाति प्रीतिर चरम निदर्शन। अर्थात मुठी जड़े आलोचक नाम मात्र नेली कहवा बाहुल्य एपरी कौन सी
महताकांक्षी आलोचक ओडिया साहित्य रे नहंती जे कवि कुंतला कुमारी सावत को जने श्रेष्ठ कविर मान्यता दे नहंती अर्थात सबु आलोचक समस्ते कवि कुंतला कुमारी सावत को जने अति उच्च चेतना संपन्न महान कवि भाव रे प्रतिपादन करिसंती कवि को सेफाई प्रति ओ मनीष भाई कविता को दृष्टि देले देखिबा सेथरे आशावाद रो स्वर स्पष्ट मनीष अमृतर संतान सामान्य आघात रे झड़ी पड़ी मृत्यु वरण करबा को तार जन्म नुहे ता जन्म अंतराल रे एक महत उद्देश्य रहिछि एही आशा से तांको कविता रे पोषण करचंती जहां आमे सहज रे पाठ कले अति उत्तम भाव रे बुझि पारबा। वर्तमान तांको उपन्यास को आमे आलोचना करबा कवि कविता उपन्यास रे नारी जीवन करुणता अत्यंत संवेदना समवेदना सहित वर्णित काली बहु उपन्यास रे लक्ष्मी चरित्र वैधव्य जीवन करुणा चित्र प्रदर्शित होईछि। शांतिलता चरित्र माध्यम रे उपन्यासिका कुंतला कुमारी सावत लक्ष्मी को चंद्रोदय सहित विवाह दे एक साहसिक पदक्षेप नेइछन्ति। मु आपण मानको स्पष्ट करि दिए जे काली बहु उपन्यास रे लक्ष्मी गोटिए चरित्र जे विधवा हे जाइछि किंतु शांतिलता नामक चरित्र माध्यम रे लक्ष्मी चंद्रोदय नामक व्यक्ति को विवाह करचन्ति। एटि उपन्यास रे चरित्र सृष्टि करचन्ति कवि एवं उपन्यास रे चरित्र सृष्टि आ घटना को मोड़ दबारे वास्तव भूमिका रहिछि कविंकर अर्थात संक्षेप रे कहिले कवि इच्छा करुचंती आम समाज रे थिबा विधवा मानक प्रति जो भूल दृष्टिभंगी रहिछि जो खराब दृष्टिभंगी टी रहिछि जो असहयोग टी रहिछि बा समवेदना टिके को नाही जो ताको अलक्षणी बोली भावुचंती समस्ते सेटा भूल धारणा एवं जने व्यक्ति बा जने छोटिया झियोटिए विवाह करिवार किछि दिन परे कोनोसी कारणवशत जदि विधवा हे गला ताहले ता जीवन अति दुख जंत्रणा कष्ट भितरे बितुथला किंतु कवि को विचार रे जदि विधवा माने विवाह करि पारिबे ताहले तांकू ए कष्ट ए सामाजिक जो जंत्रणा भितरु मुक्ति मिलिबो एवं से माने हुएत अधिक सफल समाज उपयोगी जीवन बंची पारिबे। एई कथा ठीक बुझेबा पई एई कथा को दर्शेबा पई कवि ए भली चरित्र रो उपस्थापन करिसथि एवं ए काली बहु उपन्यास रो मूल लक्ष्य सेई कथा बोली मोर विचार एहि निर्दिष्ट कथाटी नवचेतनार निदर्शन जो नवचेतना विषय आमे आलोचना करूचे ए नवचेतनार निदर्शन होचे एहि निर्दिष्ट कथाटी। सेपरि न तुंडी उपन्यास रे रत्नी परि कळी प्रिय झियो गोटे झियो अछि जे बेस कळीहुडी बोली आमे ताकू कहूचु उपन्यास हिसाब रे किंतु सिए नारी जातिर अज्ञता ओ कुसंस्कार दूर पई उद्यम करबा सहित मफसलर नारी मानकू सत् शिक्षा देछि नारी मानक से उत्तम शिक्षा देइछि से उदाहरण सृष्टि करिछि जे से कळीहुडी हेई पारे किंतु अज्ञता ओ कुसंस्कार दूर करिया पई से आगुकू आछि सफल हेइछि। ताको रघुअरक्षित उपन्यास रे नारी जीवन रो वैधव्य जंत्रणा ओ लोभी पितार कन्या सुना लोभ पई झियो मानकू वृद्ध वर सहित विवाह देबार चित्र सीतार पिता चंद्रशेखर को चरित्र रु जाना जाय अर्थात रघुअरक्षित उपन्यास रे को कथा गुड़िक अच्छी ना वैधव्य जंत्रणा अच्छी लोभी पिता कन्या सुना लुभरे अर्थात कन्या को विवाह करबा समय रे बर घर मिलुथबा सुना रो लोभरे झियो मान को बुढ़ा बर को दे दउचंती सेठी समान को जीवन दुखमय हो जाउचे सॉरी या सहित तत्कालीन समाज रे शिक्षित युवक मद्यपान ओ बेस्यासक्त होई निजर पारिवारिक जीवन को किपर कलुषित कर देउथिले तार चित्र परसमणि उपन्यास रे बिंबाधर चरित्र माध्यम रे से देखेबाक चेष्टा करचंती। सासुमानंद मानंकर बहु प्रति अमानविक आचरण रो चित्र मध्य उक्त उपन्यास रे बेस जीवंत भाव रे वर्णना करा जायछि। उपन्यासिका ललिता चरित्र माध्यम रे उत्कलीय संस्कृतिर यथार्थ प्रतिनिधि स्थानीय नारी चरित्र सृष्टि करचंती। ललिता चरित्रटी होची ओडिया संस्कृतिर प्रतिनिधि स्थानीय नारी चरित्र जो चरित्र माध्यम रे नारी सम्मान रो कथा बा समाज रे तार मूल्य रो कथा आमे जानि पारिबा। संक्षेप रे कहिले
କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ନବଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଲେଖିକା, ଏଥିରେ କାହାର ଦ୍ୱିମତ ରହିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ତୃତୀୟ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯିଏ କଥା ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1843 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 14 ତାରିଖ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1918 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 14 ତାରିଖ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ଘଟିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାସପୁର ଗାଁରେ ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନାପତି ଓ ମାତା ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ସେ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 2.5 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରଜମୋହନ, କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦେହ ଖରାପ ହଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ବାଲେଶ୍ୱରର ପୀରଙ୍କ ଠାରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତି ମହରମ ତିଥିରେ ଫକୀର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମହରମ ତିଥିରେ ଫକୀର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଫଳରେ ଜେଜେମାଙ୍କ ଡାକର ସ୍ରୋତ ହିସାବରେ ଆଲୋଚକ ମାନଙ୍କ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେହି ହିସାବରେ ପରେ ବ୍ରଜମୋହନ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ ପିଲାବେଳେ ଯେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୋଚନୀୟ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏତେ ବିଖ୍ୟାତ ଲେଖକ କି ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ଆଉ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଲେ, ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଖରାପ ହେତୁ ବିଳମ୍ବରେ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା ଯେ 2 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିକି ସେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବିବାହ କଲେ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜାହାଜର ଅଝାଲ ସିଲେଇ ଆଉ ହିସାବ ରଖିବା କାମ ସେ କଲେ। ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି କଚେରୀ କାମ କଲେ। ପରେ ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖେଇଲେ 1862 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1862 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନାଁ ଲେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 1864 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଠି ପଢିଲେ। 25 ପଇସା ବା ସେ ସମୟର 4 ଅଣା ଦରମା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ବା କଥାକାର କିମ୍ବା ବ୍ୟାସକବି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛୁ, ସେଇଭଳି ବିଖ୍ୟାତ ଲେଖକଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏତେ ଉଚ୍ଚମାନର ଲେଖକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇକି ଛୁଆବେଳେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇଛି, ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସମାଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା, ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପଢିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବି। ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଦିଏ ଯେ ସେ ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖେଇଲେ, 2 ବର୍ଷ ପଢିଲେ, 25 ପଇସା ଦରମା ନ ଦେଇ ପାରିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପରେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାସିକ 2.5 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଶିକ୍ଷକତା କଲା ପରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ମାସିକ 10 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ 1871 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକତା ବେଳେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ପଢିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ 1868 ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଛାପା କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଜନ୍ ବିନ୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗ ସେ ପାଇଥିଲେ। କ୍ରମେ ଫକୀରମୋହନ ଜନ୍ ବିନ୍ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନୀଳଗିରିର ଦେବାନ ହେଲେ। 1871 ରୁ 1875 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
तापर से डमपड़ा ढेंकानाल और केउंझर प्रभृति राज्यर देवान कार्य कले। प्रथम पत्नी 13 वर्ष बयस से जहाँ विवाह करते से कौन सी संतान संतति नथिबा अवस्थारे तांकर मृत्यु हो जाइथिला। पर से द्वितीय पत्नी ग्रहण कले। द्वितीय पत्नी ग्रहण परे तांकर गोटे पुओ आ गोटे झियो बा कन्या जन्म देबा परे द्वितीय पत्नीकर मध्य वियोग घटिला। देवानी चाकिर रु अवसर नहीं से किछि काल कटकरे रहिथिले। 1916 रे बामंडा राजा राज दरबार द्वारा से सरस्वती उपाधि रे भूषित मध्य हेथिले। तेबे फकीर मोहन को व्यक्तिगत जीवन जेते गुरुत्वपूर्ण नुहे ताठु अधिक गुरुत्वपूर्ण तांकर साहित्य जीवन जहां आम समस्त अधिक ज्ञान बढ़ेबा संगे अधिक आवश्यकता रही। मु से दिग को प्रथम आसुची जे तांकर साहित्यिक जीवन कहिले आधुनिक ओडिया गद्य साहित्यर अप्रतिद्वंदी सम्राट फकीर मोहन कुहा जाए। 20 गल्प 4 उपन्यास गोटे आत्मजीवनी किछि कविता अल्प पाठ्यपुस्तक एवं केतक भ्रमण वृतांत गोटे आत्मजीवनी और ता सहित संस्कृत रे व्यासदेव द्वारा रचित महाभारत को ओडिया रे अनुवाद करथिबा हेतु व्यास कवि फकीर मोहन भाबरे परिचित एही व्यक्ति जनक जो साहित्य रचना करचंती वास्तविक ताहर मूल्य फकीर मोहन कर मृत्युर 100 वर्ष परे मध्य फकीर मोहन को मृत्युर 100 वर्ष परे मध्य आमे ताकु बारंबार मूल्यांकन करूचु ता भितर आमे अधिक मूल्य पाउचु पछके ताहा कमु नाही। मु आपण मानको स्पष्ट कर दिए जे अनुवाद पाठ्यपुस्तक क्षुद्र गल्प भ्रमण कहानी उपन्यास काव्य कविता जीवनी और प्रबंध रचना करी ओडिया गद्य साहित्य को रुद्धिमंत करथिबा फकीर मोहन सेनापति रामायण महाभारत श्रीमद भगवत गीता उपनिषद को मध्य ओडिया रे रूपांतरित करथिले। पाठ्यपुस्तक भाव से भारत वर्षर इतिहास प्रथम और द्वितीय भाग किसी व्याकरण अंकमाला रचना करथिले। से समय रे भाषा आंदोलन थिला भाषा विलोप पाई चेष्टा चली थिला एवं ओडिया भाषा को बंचेबा पाई स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पाई एवं ओडिया भाषार पुस्तक रचना हेले पिला माने पाठ पढ़िया पाई जो केते जन चेष्टा करथिले ता भितरे राधा मधु फकीर आसीबे। मु आरंभर कहिछि मधुसूदन को मधुसूदन राव को जहां को आमे जानु छबिल मधु वर्णबोधर लेखक भावरे एवं फकीर मोहन को गोटे छोट दायित्व थिला से किछि पाठ्यपुस्तक रचना करथिले सेथिरे भारत इतिहास प्रथम भाग और द्वितीय भाग किछि व्याकरण रचना करथिले किछि अंकमाला रचना करथिले जहां से समय पाठ्यपुस्तक भाव प्रचलित थिला। तापरे तांकर क्षुद्र गल्प जो जहां कि 1898 रु 1916 मध्य प्राय 20 गल्प से रचना करचंती। 20 गल्प भितरु मात्र केतोटी गल्प 5-7 गल्प को श्रेष्ठ गल्पर आख्या दिया जाए। सेठी रेवती रांडीपु अनंता डाक मुंशी सभ्य जमीदार धूलिया बाबा गारुड़ी मंत्र पेटेंट मेडिसिन भली गल्प सबुठ बेसी चर्चित और अधिक पाठकंक द्वारा आदृत गल्प। तापर भ्रमण वृतांत तांकर रहिछि जहां 1891 रचित होइथिला। उपन्यास गीतरे तांकर 6-8 गुण जहां प्रथमे उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाउथिले मध्य परवर्ती समय रे 1902 मसिया रे ता पुस्तक आकार रे प्रकाश पाइला। लक्ष्मा 1901 रे प्रकाश पाइथिला। मामू 1913 मसिया रे एवं प्रायश्चित 1915 मसिया रे प्रकाशित होइथिला। 4 कोटी जाक उपन्यास तांकर समाज संस्कार धर्मी उपन्यास। तेबे व्यापक आलोचना दृष्टि प्रथम आम गल्प और पर उपन्यास को आम आलोचना करवा मु संक्षेप उपन्यास गुड़ी को आलोचना करी आल्प को मध्य आलोचना करी आउर काव्य कविता रही जाए मुझे स्पष्ट कर दिए। काव्य कविता भितर तर बौद्धावतार काव्य पुष्पमाला उपहार अवसर बासरे धूली भली काव्य कविता रही। प्रथम टी बौद्धावतार काव्य आउ पुष्पमाला उपहार अवसर बासरे धूली होछि तांकर कविता तांकर आत्मजीवनी 1918 मसिया प्रकाश पाइथिला। से प्रबंधरे मध्य प्रबंध रचनारे मध्य सिद्ध हस्त थिले। कवि गोपाल कृष्ण पटनायक आउ उत्कल भाषार भूत भविष्यत आउ बौद्ध अवतार काव्यर मुखबंध प्रबंध से रचना करिसंती।
छमणा ठगुंड 1902 पुस्तकाकर प्रकाशित होता तबे आगे आमे तांकर आलोचना भितरे प्रथमे गल्प को नबा प्रथमे आमे रेवती गल्प को आलोचना करिबा जो गल्पटी को आलोचना नकले फकीर मोहन को ना आरंभ करिपारिबा ने शेष करिपारिबा तबे रेवती होउची 1898 मसिया रे प्रकाशित ओडिया गद्य साहित्यर गल्प साहित्यर प्रथम सफल पूर्णांग श्रेष्ठ गल्प रेवती गल्प नायिकार नाम अनुसार रचित टिके टेक्निकाली बुझेबा को चेष्टा करछी ध्यान देबे जे रेवती गल्परे मोट पांचटी चरित्र तीनोटी काल र नीतिगत संघर्षर कहानी रेवती गल्प रेवती विवाह प्रस्ताव घर भितर पड़ा तेणु रेवती और वासुदेव सार को गोटे काल ऊपर काल भाव मान भविष्य काल वर्तमान हूँ रेवती बापा माँ एवं अतीत तीनोटी काल विभाजन करेवती जेजेमा को निपे अर्थात तीनोटी काल और पांचटी चरित्र नीतिगत संघर्षर कहानी रेवती रेवती गल्प मध्यम लेखक नारी शिक्षा अंधविश्वास कुसंस्कार एवं अनेक कथा सुंदर भाव वर्णना कर समाज जो मूल समस्या टी रही समाज जो अभाव बोध टी रही नारी शिक्षा पाखरे एवं अंधविश्वास जेतेबेले झाड़ा बांती रोग आसी रोग बोली कहुची से लोक मैंने औषध न खाई प्रकृत बास्तव परिस्थितर सम्मुखीन न होकि ठीक रास्तार न जाकि भयभीत होकि घर भितर रहीकि किपर मृत्यु को डाकि आणुचार से कथा को परोक्ष लेखक दर्शाई किंतु समय को दृष्टि देले से समय रे जो समस्या थिला जो शिक्षा दीक्षार अभाव थिला माने गमनागमन जो समस्या थिला एवं लोक मैंने जो भली भयभीत परिस्थिति रहुथिले तार कुपरिणाम किपर आमको भोगिबा को पड़ी से कथा लेखक देखेछन्ति रेवती गल्परे छोटिया गपटिए रेवती को मात्र 10 वर्ष से पाठ पढ़िया पई चाहूची दिने रेवतीर बापा सूचना देछन्ति जे ताको गाँव और गाँव पाखे गोटे झील मान स्कूल प्रतिष्ठा हूँ तो रेवती कहे मुझे पाठ पढ़वी बापा कह खुशर कथा ठीक अच्छे पाठ पढ़वुतापर ताप गोटे बही अणा जा विभिन्न प्रकार छवि अच्छी से देखिक खुशी हो डग डग कर बहुत कथा पढ़ी जाऊँच बापा माँ कहते अन्न मैंने कहते किए घोड़ा चढ़ी खुशी हुए किंतु रेवती घोड़ा हाथी चित्र देख खुशी हो जाऊँच तेरे लेखक जड़ाया चाहूंट जे जेतेबले रेवती पाठ पढ़ा कथा कहूँ से तार जेजेमा अच्छा जी घोर विरोध करुचंती कहवाक चाहूंटा झील पिलाटा पाठ पढ़ा गुरुत्व दवा कौन दरकार तार बरम झोटी पकेबा शिखवा दरकार रोसे करवा शिखवा दरकार पिठापड़ा कर शिखवा दरकार कारण से निकटे बाहा हब पर घर को जीव एवं सेठी रोसेवास करवा शाशु शुशुर सेवा करवा एवं घर दायित्व नवा हूँ मुख्य कथा पाठ पढ़ा मुख्य नुहे द्वितीय जेजेमा गोटे दृढ़ विश्वास रही झील मैंने पाठ पढ़िले घर पर विपद परिवार पर विपद यह एक घोर अंधविश्वास कथा जहा हू रेवती पाठ पढ़ा आरंभ कर दिन पर तार बापा झाड़ाबांती रोग से मरी तार माँ मरी एवं किछि दिन परे जो वासुदेव सार तांको परिवार सहित संपर्क टे सृष्टि करथिले से पिला मान को नेकी परीक्षा दबा पे पाख दूर गाँव को जाइचंती सेठु फेरला बेलू से झाड़ाबांती रोग से पड़ुचंती और सेठी से मरी जाउचंती ए तीनोटी जाक दुख द घटना रे बुढ़ी रेवती को दोष दौची रेवतीर पाठ पढ़ा को दोष दौची अर्थात तीनोटी काल पांचोटी चरित्र नीतिगत संघर्षर कथा आपण जहाँ
ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବୋଲି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଏବଂ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ରାଗୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ରେବତୀକୁ ଡାକୁଛି ସେ ସ୍ନେହରେ ହଉ ବା ରାଗରେ ହଉ କହୁଛି ଲୋ ରେବତୀ ଲୋ ନିଆ ଲୋ ଚୁଲି। ସଭା ଶେଷରେ ରେବତୀକୁ ଦିନେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ରେବତୀ ଖାଉନାହିଁ, କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ, ଦିନେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଅନ୍ଧା ମାନେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ସେ ରେବତୀକୁ ଛୁଇଁଛି, ତା ଦେହଟି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଛି। ବୁଢ଼ୀ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯିବ ବା ତା ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରୁ କିଛି ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା ଦେଇକି ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଣିବ, ରୋଷେଇ କରିବ, ରେବତୀ ଖାଇଲେ ତାର ଟିକେ ବଳ ପାଇଲେ ସେ ଘର ଚଳେଇବ। ସେ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠି ଲେଖକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ତଳେ ଢାଳ ନେଇକି ଯାଉଛି, କଂସା ପିତଳ ଢାଳଟେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଦୋକାନୀ ଜାଣିକି ତାକୁ ଗୋଟେ କଣା ଢାଳ କରିକି ତାର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହବ ନାହିଁ କହିକି ସେ ଢାଳଟିକୁ ରଖୁଛି ଏବଂ କିଛି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି ତେଲ ଆଦି କିଛି ଜିନିଷ ଦଉଛି। ତାକୁ ଆଣିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ରେବତୀକୁ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ସେତେବେଳେ ଜାଣୁଛି ଯେ ରେବତୀ ତାର ଗୋଡ଼ ବାଜିକି ପିଣ୍ଡାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରେବତୀ ବାସ୍ତବରେ ତା ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହେଇନି, ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇନି, ସେ ଆଜି ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ରେବତୀର ଜେଜେମା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଶେଷ ଚିତ୍କାର ଯେ ଲୋ ରେବତୀ ଲୋ ନିଆ ଲୋ ଚୁଲି। ଏଇଠି ଲେଖକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଢ଼ୀମା ଭାବୁଛି ଝିଅଟି ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବି, 120 ବର୍ଷ ତଳେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ଏଇ ଗଳ୍ପରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରେବତୀ ନାଁରେ ଗଳ୍ପ ରଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ରେବତୀକୁ ଆଜି ବି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରେବତୀକୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି ଝିଅଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, କଲେଜକୁ ଯାଉଛି, ପାଠ ପଢୁଛି, କିଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନକଲା ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ନ ପଢୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ବାହା କରିଦେଲେ ଯିବ। ବାସ୍ତବିକ କଣ ଝିଅଟେ କେବଳ ବାହା ହବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଦେଖିବା ଯେ 100 ବର୍ଷର ପରେ ଫକୀରମୋହନ ରଚନା କରିଥିବା ରେବତୀ ସମୟ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 120 ବର୍ଷର ପ୍ରଗତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ନାରୀମାନଙ୍କର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଝିଅମାନେ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ମା ମରିଯାଉଛନ୍ତି କି? ମୋ କଥାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେବେ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ବରଂ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢିକିରି ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଲେକ୍ଚରର, ଟିଚର, ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ସାଧାରଣ ଅଟୋ ଠୁ ବସ୍ ଠୁ ଡ୍ରାଇଭର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏରୋପ୍ଲେନର ପାଇଲଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରିକି ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗର ଅତି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବା ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିକି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ବା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଏକ ମାନେ ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ ବା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର। ଏବଂ ସେଇଠୁ ଫକୀରମୋହନ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ମୂଳଦୁଆଟି ପକେଇଥିଲେ, ଆମେ ତାର ଗତି ଦେଖୁଛୁ, ତାର ଉନ୍ନତି ଦେଖୁଛୁ। ସେଇ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ନବଜାଗରଣର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ନାରୀମାନେ ପାଠ ପଢିବେ, ତାର ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ 1998 ଫକୀରମୋହନ ପକେଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ରେବତୀ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ସମୟକ୍ରମିକ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ସାରିବା। ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଗପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯେ ହିରୋ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ରଟିଏ, ଗାଁରେ ତାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ହିରୋ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଗାଁକୁ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନଦୀର ବନ୍ଧରେ ଯୋଉଠି ଫାଟ ଅଛି ସେଇଠି ତା ଭଳି ଗୋଟେ ବଳୁଆ ପିଲା ସେଇଠୁ ପୁରା ଗୋଟେ କବାଟ ଉଠେଇ ନେଇକି ପକେଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତମେ ମାଟି ପକାଅ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ନଦୀ ପାଣି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ନ ଯାଉ ବୋଲି ମାଟି ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ରାଣ୍ଡିପୁ ଅନନ୍ତା ଶରୀର ଉପରେ କବାଟ ସହ ବନ୍ଧରେ ମାଟି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ନାହିଁ, ଏକ ବିପଦ ବା ଜଳ ଜନିତ ବିପଦରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦରୁ ଗାଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ତାପରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଅନନ୍ତା କୁଆଡେ ଗଲା?
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି ଅନନ୍ତା ସେଇଠି କବାଟ ଧରିକିରି ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ନଦୀର ପାଣିକୁ ଆସିବାଠୁ ଅଟକଉଥିଲା, ଆମେ ସେଇଠି ତା ଉପରେ ମାଟି ପକଉଥିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଅନନ୍ତା ପୋତି ହେଇଗଲା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯୋଉ ପିଲା ନିଜ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ସେଇଭଳି ସରଳ ଅଥଚ ତ୍ୟାଗୀ ପିଲାର କଥା ଲେଖକ ରାଣ୍ଡିପୁ ଅନନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଡାକମୁନ୍ସି ଗଳ୍ପ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଅପଡ ହବା, ପୁଅମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିବା, ବାପା ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଝ, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାପା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପିଲାମାନେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ନିରୀହ ସରଳ ବାପା ଅବିବାହିତ ପୁଅକୁ ବିଚାର କରୁଛି, ସେ ପିଲାଟି ଖାଇବ କେମିତି, ରହିବ କେମିତି, ସେ ହୁଏତ ରୋଷେଇ କରିପାରିବନି, ସରକାରୀ କାମ କରିବାରେ ହୁଏତ ଅବହେଳା ହବ, ତେଣୁ ସେ ପୁଅ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଶୁଛନ୍ତି ବା ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଯତ୍ନ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଧୁନିକ ସନ୍ତାନ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାପାକୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଭୁସି ମାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜୀରେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ଜଣେ ଜମିଦାରର ପୁଅ କିପରି ଭାବରେ କମ୍ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେଇକି ନିଜର ପରମ୍ପରା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଅତି ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ ବାବୁ ଭଳି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିକି କମ୍ ପାଠ ପଢିକି ଅଧିକ ପାଠୁଆ ହବାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ସେ ତ୍ରୁଟି କରି ବସୁଛି, ବାପାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ମା କିପରି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ଛାଡିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରୀ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ବାହା ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ମନ୍ଦ, କୁଳ, ଜାତି, ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ନ ବୁଝିକି କିପରି ସେ ବାହା ହଉଛି, ବାକି କରିକି ପଇସା ଆଣିକି ବାହା ହେଇଛି କଲିକତାରୁ ଝିଅ ଆଣିକିରି, ଏବଂ ଗାଁରେ କିପରି ଭାବରେ ଭୋଜିଭାତ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକା ହେଇକି କିପରି ଭାବରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗୋବର ପିଲାବେଳେ ସକାଳୁ ସେ ଦେଖିକି ତାକୁ କଷ ହେଇଛି, ବାନ୍ତି ଆସିଛି, ଏପରିକି ସେ ଥିବା ଚାକରାଣୀଟି ଏଇ ମୌକାରେ ସେ ଘର ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଏବଂ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ କଥା ସେ ହାସ୍ୟୋଦ୍ଦୀପକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରର ପତ୍ନୀ ଯିଏ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ଡାକିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର କହିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ କରୁ ଏପରିକି କିସମିସ୍ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ବରଂ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବୁଆଣୀ ବା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୁକର୍ମ ବା ଭୋଗବିଳାସ, ମଦ୍ୟପାନ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର କରିଦେଇଛି, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଗାଁ ଛାଡିକି ପୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଚା ବଗିଚାର ମୂଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜମିଦାରର ପୁଅ ଜମିଦାର ଭାବରେ ନ ବଞ୍ଚି ଅଯଥା ମିଛ ଆଡମ୍ବରରେ ବା ମୂର୍ଖ ପଣିଆରେ ଶିକ୍ଷିତ ନ ହେଇକି ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ଦେଖେଇ ହେଇକି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପରିଣାମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ବାଟରେ ଯାଇକି କିପରି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୂଳିଆ ବାବା, ଧୂଳିଆ ବାବା ଗଳ୍ପ ଅତି ଚମତ୍କାର ଗଳ୍ପ। 100 ବର୍ଷ ତଳୁ ଲେଖକ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ବାବାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ବି 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ସମାଜର ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଠକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଛ କଥା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି କଥା କିପରି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସମସ୍ତ କଥା 100 ବର୍ଷ ତଳୁ ଫକୀରମୋହନ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରୁ ଲେଖକ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିହବ ନାହିଁ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଏହା ଅତି
अति बेसी लोकप्रिय उपन्यास जहाँ सामाजिक उपन्यास विभिन्न समय रे छात्र छात्री मानकर कोर्स रो पाठ पाठ्यपुस्तक भाव ताकू व्यवहार करा जाय छी। तबे 6 माण 8 गुंठ होचे एक जमीर माप, जो जमीर माप को दृष्टि रखी ए उपन्यास रो नामकरण करा जाय छी। ए जमीर मालिक होचंती ए उपन्यास रो दुई चरित्र सारिया औ भगिया बा भगिया ओ सारिया। यहा ए उपन्यास टी मुख्यतः कर्म फल भोग अर्थात जो काम आमे करिबा तार परिणाम आमको भोग करबाकु पड़िबो ए निर्दिष्ट दृष्टिभंगी रे रचना करा जाय छी, ए निर्दिष्ट विचार रे रचना करा जाय छी। ए उपन्यास रो मुख्य चरित्र होचंती रामचंद्र मंगराज, जहां का बापा मरीगला बेलू सुध हवा पाई तांका पाखरे पैसा नथिला, सीए चालाकी करके युवक हेला परे किपरि भाबरे ठकी भंडिकिरी जमीदारी को हातेई चंती पुओ मानको नष्ट हवाकु छाडी दे चंती। चंपा नामक एक नष्ट चरित्र बा भिलियन बोली जाको आमे कहिबा, सेई भली गोटे नारीर सहयोग रे किपरि अन्यर जमी को हड़प करचंती, निरीह सरल ग्रामवासी मानको हैरान करचंती, समानक जमी नै चंती, एवं सर्वशेष रे भगिया सारियांकर एई भलो जमी 6 माण 8 गुंत परिमित उत्तम जमी को हातेबा पई से चेष्टा करचंती। चंपा माध्यम रे ता स्त्री को तार पिला छुआ हो नाही ओ झी हबार आशा देखै चंती, ताठू कटक वाला करि नै चंती बा लेखै नै चंती, तार नेत बोली गोटे अति सुंदर उत्तम गाय थिला ताकु भी से नै जाय चंती एवं जमीट को छड़े नै चंती। ए कथा से माने जतले बुझिले सेतले से माने घोर प्रतिवाद करचंती, किंतु जमीदार सेतिपति भूखेप करि नाहंती, तांको दुआरे पड़ी पड़ी मागी मागी निजर नेत गाय आउ जमी को मागी मागी सारिया मरी जाय छी, भगिया असुस्थ हो जाय छी, एवं जमीदार को स्त्री मरी जिबा परे विभिन्न प्रकार बाद विवाद रे छंदी हे जमीदार जेल जाय चंती, एवं जेल जिबा समय रे चंपा जे तांकर सहयोगी थिला जे कि बाघसिंह वंश भली अति गुरुत्वपूर्ण भलो वंशर व्यक्ति मानंकु क्षति पहुंचाई दे छी, सेई भली चंपा चरित्र जमीदारंग टू चाबीटी मागी आनी छी, एवं गोटे सहयोगी भंडारी चरित्र माध्यम रे से समस्त संपत्ति को बांधिकी राति रे पळे जाय छी, किंतु ताकु से संपत्ति भोग हे नाही। गोटे राति रे से माने गोटे घरे रही चंती, उभयक भितरे विचार आलोचना हे छी, से माने कटक जिबे बोली चंपा कहू छी, किंतु भंडारीटी कहू छी जे आमे आम गांव को पळेबा सेठी चंबाड़ी किनके भले रहिबा। उभयक भितरे बचसा हो छी, रोसे हो छी, मान अभिमान हो छी, चंपा खाऊ छी, अन्य जनक खाऊ नाही, से रागरे राती रे चंपा सोई पड़ला परे गोटे छुरी रे चंपा को आघात करू छी, समस्त संपत्ति को बुजुला को धरि की जाय के से नदी पार हो छी, किंतु नदी मझिरे थिबा बळे जते बळे डाको वाला डाकुचंती ब्रिटिश सरकार को लोक डाकुचंती डनाउरिया डंगा फेरेची से भयभीत होकि नदी मझी को डेई पड़ी आउ सेठी कुंभीरार शिकार हो जाए। लेखक कहिया पय चाहंती जे तमे जदि अधर्म बल रे संपत्ति रोजगार करिवो ताकु भोग करि पारिवो नै, बरंग से तमर मृत्युर कारण हबो, कष्टर कारण हबो। आउ रामचंद्र मंगराज जेल को जिबा बेले सेठी तांकर भगिया सहित साक्षात हेछि, भगिया तांकु चिन्हि पारिछि, रागी कि तांको नाकटी को कामुडी कि नै जाइछि के आउ असुस्थ हो जाइछन्ति रामचंद्र मंगराज, फेरी आछन्ति घर को, सेठी तांकर मृत्यु हो जाइछि। लेखक अधर्मवित बा अधर्मवित संपत्तिर समस्या कथा कहिछन्ति, अंधविश्वास कथा कहिछन्ति, कुसंस्कार कथा कहिछन्ति, जमीदारी प्रथा कथा कहिछन्ति, एवं सुजोग क्रमे से करुथबा कर्मर फल आमुक ही भोग करियाकु पडियो बोली व्यापक भाबरे 6 माण 8 गुंठ उपन्यास रे बुझैछन्ति। ए समस्तंकु छाड़ी देले जे लक्ष्मा मरहटा शासन कालीन वर्गी आक्रमण ओ नवाब अलीबर्दी खान सहित मरहटा सुबादार भास्कर पंडित युद्ध घटना दुईटी ऐतिहासिक सत्य उपर आधारित एवं बादल सिंह ओ लक्ष्मण विच्छेद मिलन उपन्यास कल्पना प्रसूत, इतिहास और कल्पनार समन्वय रचित ए उपन्यास गठन रीति दृष्टि एक सार्थक ऐतिहासिक उपन्यास। मामू उपन्यास रे पितृहीन निज दुई भणजा स्थावर संपत्ति अपहरण करी जेल जीवा ओ अनुताप करिबा मामू नजर नाटवर दास कहानी वर्णना करा जाइछि। प्रायश्चित उपन्यास रे समाज रो जाति प्रथार कुसंस्कार दूर करने को चेष्टा करछथि लेखक।
अंधविश्वास कुसंस्कार नारी शिक्षा जमीदारी प्रथार कुपरिणाम इंग्राजी शिक्षार कुपरिणाम भंड बाबा कर्मफल भोग आदि समस्त कथा लेखक तांकर रचनारे स्पष्ट करचंदी जहा नवचेतना धर्मी साहित्यर मूल मंत्र बोली विचार करा जाए। धन्यवाद सर। वर्तमान पिलांकर केतोटी प्रश्न आसी जाइछ सर तांकर द्वंद पचारंतु केतेटा से प्रथम प्रश्न होउछि सर फकीर मोहन को काहे कि ओडिया कथा साहित्यर जनक कहा जाए आधुनिक युगर आरंभ समय रे जो अल्प किसी गद्य रचना थिला ताकू बाद देले पूर्णांग गल्प उपन्यास गद्य रचना करिवारे बा आत्मजीवन रचना करिवारे सी होचे प्रथम सफल लेखक तेणु गद्य साहित्यर जनक कहिबा तांको अधिक समीचीन ता पूर्व जो गद्य गुडिक थिला ताकु आमे पूर्णांग बा सफल गद्य रचना बोली कहिबानी एहा गद्य रचनार प्रयास बोली बा प्राथमिक प्रयास बोली आमे ताकु कहि पारिबा किंतु फकीरमोहन सेनापति जो गद्य रचना कले 20टी गल्प 4टी उपन्यास आत्मजीवनी चरित यार माध्यमरे आमे देखिले एक पूर्णांग सरल सुखपाठ्य बोधगम्य साहित्य सृष्टि करी गद्य साहित्य सृष्टि करितबा हेतु तांकु गद्य साहित्यर जनक बोली कहिबा। नवजागरण भंज युगर शेषरे भंज युग परे आरंभ हेछि अर्थात रेनेसा को आमे विश्व साहित्य रे विश्व सामाजिक जीवन रे रेनेसा बोली गोटे निर्दिष्ट प्रकार विचारधारा आसीथिला जहा परे ओडिया साहित्य रे नवजागरण विचारधारा आसिकी पहुंचला यार मूल कथा होउची जे कौनसी भी कथा को नुआ करी देखिबा एवं एथिरे कौन आमे देखिबा अतीतर समस्त समस्या गुड़ को दूर करी वास्तव समाज रे थिबा वर्तमान रो समस्या को दृष्टि रखी तार निराकरण पई जो प्रचेष्टा ताको आमे नवजागरण कहिबा आमे आउर सहज रे बुझिया पई हेले से समय रे नारी शिक्षा रो समस्या थिला अंधविश्वास थिला कुसंस्कार थिला देशप्रीति भावना नथिला केवल राजा राणी मौज मजलिस बा प्रेममूलक आख्यानमूलक काव्य कविता थिला या पूर्वरु 1880 पूर्वरु भंज साहित्य जो प्रभाव रे एई राजा राणी मानक कथा सुना जाउथला उच्च परिवार रो सुख दुख रो कहानी सुना जाउथला साधारण जनता रो कथा सुना जाउथला जेतेबेले साधारण जनता रो सुख दुख रो कथा आसिला सेई चरित्र सेई घटना मानक लेके साहित्य रचना करा गला सेमानकर समस्या दूरीकरण पई चेष्टा करा गला एवं समर आह्वान देशर स्वाधीनता पई चेष्टा थिला आउ ओडिया भाषा प्रति चेष्टा थिला ओडिसा रो स्वतंत्र प्रदेश गठन पई चेष्टा थिला ओडिया भाषा आंदोलन ओडिया स्वतंत्र उत्कल प्रदेश आंदोलन स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पई चेष्टा ओ भारतर स्वाधीनता पई जो आंदोलन थिला ताकु दृष्टि रे गोटिए पट रखा जायथिला अन्य पटे जागरण देशभक्ति नारी शिक्षा कुसंस्कार विलोप इंग्राजी शिक्षा प्रति आग्रह ओ विज्ञान रो प्रयोग तथा विज्ञान प्रति आकर्षण बा विज्ञान रो विज्ञान पठन रो आवश्यकता ए सब को जो समय रे प्रयोग करा गला सेई समय रो जागरण दृष्टि भंगी को नव जागरण बोली कुहा जाउची। धन्यवाद सर। नेक्स्ट प्रश्न है फकीर मोहन विभिन्न प्रकार नारी चरित्र तयारी करचंदी आमे रेवती गल्परु 6-8 गुंड चंपा पर्यंत एक लंबा नारी चरित्र लिस्ट देखि पारिबा मु आपण मानको स्पष्ट कर देबी फकीर मोहन को नारी अबला दुर्बला निरीह फकीर मोहन का नारी अंधविश्वास रे वशवर्ती कुसंस्कार रे वशवर्ती किंतु आशावादी जदि रेवती चले गप को देखिबे ताले रेवती होची भविष्यत पीढ़ी रो रिप्रेजेंटेटिव जे पाठ पढ़ी की बड़ हवा पई चाहौची रेवती रो मां जे की चाहौचंती जे नारी शिक्षा पाइबा उचित तांको झियो पाठ पढ़िबा उचित एवं से आशावादी किंतु रेवती रो जेजेमा
कुसंस्कार रे अछंती तांको पाखरु कुसंस्कार छाड़ी पारिनी से समय को ग्रहण करि पारि नाहंती तेणु ये आम देखुचे ना फकीर मोहन को तीनोटी नारी तीनोटी दृष्टिभंगीर आम छमा आठ कुंड देखा जे रामचंद्र मंगराज को स्त्री जड़े अनन्य भद्र नम्र परोपकारी से कह दुख सही पारते ना एपरिक चंपा गाई आ जमी को फेरे देवाई रामचंद्र मंगराज को धर्मपत्नी अति सुंदर भाव में बाध्य कर रामचंद्र मंगराज ग्रहण करे ना किंतु स्त्री भाव जमीदार स्त्री अति उच्च कोटीर नारी मान जड़े प्रतिनिधि स्थानीय चरित्र किंतु चंपा चरित्र आउ गोटे नारी जी पर क्षति करजर मुरबीर मुनिवर लाभ करेकोसी स्तर को जापे से बाघसिंह वंश को नि लगे पारे टांगी मौसी रूप ग्रहण करके से जमीदार सहयोगी जमीदार सहित चंपार कि प्रकार संपर्क लेखक अधिक गभीरता भितर को नहीं ना किंतु परोक्षर जो सूचना देखते स्पष्ट हूँ चंपा गोटे खल चरित्र समाज माने निंदित चरित्र भाव नारी मान एक कलंकित चरित्र भाव ग्रहण कर तो फकीर मोहन को नारी चरित्र मान विविध गुण अधिकारी उभय भल और मंद सरल और जटिल भल मंद सब प्रकार नारी चरित्र फकीर मोहन दे गल्प उपन्यास रे निर्दिष्ट ना प्रकाश पाउथला आमे 1898 प्रकाशित रेवती गल्प को वास्तव में प्रथम गल्प भाव ग्रहण करवा पूर्व पत्रिकार प्रकाश पाउथला लक्ष्मणिया ना प्रकाश पाउथला से गल्पटी पूर्णांग रूप से समय से पत्रिकार मिली नाला तेणु रेवती को ही प्रथम गल्प भाव ग्रहण करदी अधिक प्रामाणिक प्रमाण दरकार से सामान्य समय देले आम ताको स्पष्ट कर पारिबा से प्रकृत जुग विभाजन तो आधुनिक जुगर कवि किंतु आधुनिक जुग को पुणी केतोटी छोट भाग में विभक्त करमती राधराज जुग बा सत्यवादी सबुज अत्याधुनिक यही भाव आम प्रगति यही भाव भिन्न भिन्न विभाग कर तेरे आधुनिक जुगर कवि भाव ग्रहण कराए एवं जन्म समय आम स्पष्ट करे आरंभ रु जे जन्म समय आउ मृत्यु समय 1938 से समय टी सत्यवादी आउ बा रोमांटिक चिंताधारा समय सीमा किंतु तांको आधुनिक जुगर जड़े कौन जो आमर आलोचना हिसाब रे नवचेतना धर्मी दृष्टिभंगीर कवि बोली कहिबा अधिक समीचीन हब समय को देखिले तो से सत्यवादी सबुज जुगर समय सीमा भितर से आसुचंती किंतु आधुनिक जुगर नवचेतना धर्मी दृष्टिभंगीर कवि बोली कहिबा मो विचार रे अधिक ठीक हब जेहेतु काव्य कविता उपन्यास को दृष्टि रखिक आम जी आलोचना करिबा उभय रामचंद्र मंगराज एवं चंपा ए उभय को आमे खल चरित्र भाव नबा जदियो उपन्यास नामकरण हेछि छ माण आठ गुंड परिमित जमी को नेकी किंतु वास्तव कथा होची यार मुख्य चरित्र रामचंद्र मंगराज जे जने खल चरित्र एवं तांकर सहयोगी चंपा मध्य नारी चरित्र भाव गोटे खल चरित्र सर आउ जने प्रश्न से समय जमी जमीदारी प्रथा ओ मनीषर
जो स्थावर संपत्तिर मूल्यांकन करा जाउथला सेतबेले पद पदवी चाकरी मुख्य चिन्हित हो नथला। ग्रामांचलरे लोक मानकर जमी खंडिक थिला तांकर मूल संपत्ति जहार जेते बेसी जमी जहार जेते बेसी भल जमी से समाज रे से भली चिन्हित होतला बा तार मूल्यांकन करा जाउथला। ये गोटे पार्ट सब पार्ट नुहे ये गोटे पार्ट। छमण आठ गुंड उपन्यास विशेषत्व हूँ जमीदार रामचंद्र मंगराज चरित्र चित्रण अर्थात रामचंद्र मंगराज जमीदारी किपरी पाइले जमीदार हवा पर कार्यकलाप कौन रहिला ओ तार परिणाम कौन घटिला सी जो फतेहपुर सरसंड बा जो माने जगार जमीदार हेले सेई अंचल ग्रामांचल चतुर्पार्श्वर थिबा लोक मानकर उपयुक्त बा उन्नत मानर जमी गुड़ी को से किपरी नहीं जिबे तांकर सबुबले दिबारात्रि सेटा होचे एकमात्र स्वप्न। फलरे जमी खंडिक इत्ते मूल्यवान जे गाँव समस्त धोई पानी गाई गोबर ठू आरंभ करी अन्यान्य मैला बोही जाए कि जो तल जमीटी रहे से जमीटी केबे मध्य मरुड़ी ग्रस्त हुए नाही। मु आपण मानको स्पष्ट कर दिए ए उपन्यास जो समय रचना करा जाय छी सेतबेले व्यापक भावरे केनाल व्यवस्था नथिला नौक दुर्भिक्ष परे ब्रिटिश सरकारंकर चेष्टारे बहु माने चाष जमी को पानी मड़ेबा केनाल व्यवस्था है तेणु वर्षा हूँ एकमात्र माध्यम धान चाष करी अमल करने पर्यंत लोक माने वर्षा उपर निर्भर करते तेणु ये सारिया भग्यांकर मूल्यवान जमी छमण आठ गुंठ परिमित से जमीटी हूँ गाँव रुठ बे मूल्यवान जमी जो थिरे कि केबे मरुड़ी हुए ना से जमी रे फसल मध्य भल हुए कारण गाँ जगार पानी सबाशेष सेठी पहुंचे समस्त खत पानी को मध्य बोईक नहीं जाए से माने पानी जो थे कि से जमीर उर्वरता रही जमीटी को पाइबार लोभ रे जेहेतु रामचंद्र मंगराज रहिले एवं से जमी पाइबा जहा जहा करबा को पड़िला कले किंतु तांकर समस्त कुकर्म पाई से दंड पाई नथिले दंड पाइले जेतेबेले ए छमाण आठ गुंठ जमी से नबा को चेष्टा कले ओ नेले तापरे तांकर खराब समय आसला पतन आसला एपर कि स्त्री मल्ला पुओ झियो समस्ते नष्ट होइ कि कुवे कुआडे गले निजे जेल दंड भोंगिले ओ मृत्युबरण कले तेणु जो जमी तांको जीवन रे एडे बड़ परिवर्तन आनिला जो जमी पाई से एते गुडे माने काम कले चंपा को धरी के सारिया भगिमान को विभिन्न प्रकार भूल बुझा भूल कथा बुझेले बा अंधविश्वास कुसंस्कार तांको मन भितरे सृष्टि कले सेई जमी खंडिक रो पाइबा परे तांकर भयंकर परिणति हेथिबारु से जमी को लेखक कहिसंती कोहनूर हीरा संगे माने समान करके विचार करचंती से जमी जहा पाखर को जीव तहार क्षति करियो बोली से कहिसंती भाग्या भग्या सारियांक बापांक पाखरे थिला भग्यार बापा पाखरे थिला एवं एमाने तार माने उत्तराधिकारी भावरे से जमी पाइचंती सेमानकर मते कोनसी पुओ झियो हो नाही एवं से जमी पुनि तांक पाखर जाके रामचंद्र मंगराजंकर एते बड़ क्षति करथिबा हेतु से जमी को नेकी एते बेसी गुरुत्वपूर्ण घटना घटथिबा हेतु हुए तो लेखक से उपन्यास ना छ मण आठ गुंड देखा अधिक जुक्ति युक्त हम बोली मोर विचार। धन्यवाद सर बोधे प्रत्येक प्रश्न उत्तर सठिक भाव विद्यार्थी मान आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आज विषय टी अति सुरखुरी अति प्रांजल भाव उपस्थापन कले एवं पिलांगर प्रश्न मध्य तांगर द्वंद मध्य दूरीभूत हेथिबो मु आरंभरु सुनुथिलि सर आपण प्रत्येक विषयटिकु आजर विषयटिकु पुंखानुपुंख भावरे प्रत्येक क्षेत्रकु नेकि आपण आलोचना कले एवं एहा द्वारा आमर विद्यार्थी माने निश्चित भावरे उपकृत हेथिबे लाभवान हेथिबे आपणकु आपणकर बहुत बहुमूल्य समय आज आपण देले एवं एहा द्वारा आमर जो ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय आपन कथारे कृतज्ञ सर आपनकु अशेष अशेष धन्यवाद आपनकु मध्ये बहुत बहुत धन्यवाद मते एभली गोटे सुजोग देथिबारु मु राज्य मुक्त विद्यालय पाखरे कृतज्ञ आशा करची जे ए स्वल्प समय भितरे आलोचना टिकु मु चेष्टा करची संक्षिप्त आ पिलांको बुझिबा उपयोगी करिया पई।
जदि किसी सामान्य आलोचना कमी जाइ थियो बा समस्या किसी थियो परवर्ती समय जदि छात्र माने छात्र छात्री माने ए संपर्क रे मते अवगत करेबे बा प्रश्न पचारेबे मु चेष्टा करबी से मानकर द्वंद बा मनर प्रश्न को प्रश्न रो उत्तर देबा पई बा बुझेबा पई चेष्टा करबी आ आपन मानको बहुत बहुत धन्यवाद जे आपन मते ए भली गोटे सुजोग दे छली धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद सर हम गणरे सर वर्तमान आरंभ रो हमर वरिष्ठ शैक्षिक परामर्शदाता डॉक्टर चिरत बेहरा सर अछंती तांकु मध्य धन्यवाद देबी डॉक्टर सुनीति देवता मध्य अछंती तांकु मध्य धन्यवाद देबी एवं हम समस्तंकर प्रिय छात्र छात्री मानकु मध्य धन्यवाद दउची ओडिसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय समस्त कर्मकर्ता धन्यवाद विशेष कर आज यांत्रिक सहायता प्रदान कर संजय पटनायक सर को एवं रुनिता प्रधान मैडम को मध्य धन्यवाद दउची एवं एतिक आज पाठ्यक्रम आम रखा सर धन्यवाद समस्त को धन्यवाद।